द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू वॉच माय ऑल न्यू वीडियोस। What's up guys, this is Ujjwal Kumar Sen and you're watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें गेट 2018 में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़े से आपको क्या प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, राइट। थोड़े से प्रॉपर्टीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं और बेसिकली प्रॉपर्टी कहाँ से हमें पता लगता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब निकालते हैं तब पता लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है पहले वाला, सारे बुक में लगभग पहले वाले में इस कंडीशन को दे रखा है। फर्स्ट कंडीशन अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। फर्स्ट कंडीशन से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है d2y/dx² दे रखा है प्लस dy/dx है माइनस 6y = 0 है। इस टर्म को हम लिख सकते हैं d², इस टर्म को हम लिखेंगे d और y को हम क्या करेंगे, y रहने देंगे, राइट। उसका हम क्या करेंगे, थोड़े से कंसेप्ट लगाएंगे कि इसका जो हम लोग फैक्टर में पढ़ते हैं, मतलब हम लोग जो छोटे क्लास में पढ़ के आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग हम इसमें लगाएंगे, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली हमारे पास d² + d - 6 = हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर और एक टर्म भूल गया मैंने, y = इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़े से हमें वैल्यूज़ को पुट करना है, राइट। थोड़े से वैल्यूज़ को पुट करना है, मतलब क्या है, y = हमें क्या करना है, 1 पुट कर देना है। यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज y0 = हमारे पास 1 दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को d² + d - 6 = 0 लिख सकते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर क्या है, इसका बेस कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर क्या 6 है, 2, 3 कितना होता है, 2, 3 = 6। तो d² + 3d - 2d - 6 = 0। ये हम लोग छोटे से करते आ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको समझने के लिए। अब d यहाँ से कमन आ जाएगा, d + 3 बच जाएगा। ये पहले दो टर्म को देखो, नेक्स्ट दो टर्म माइनस क्या आ जाएगा, -2 कमन आ जाएगा, यहाँ पर d + 3 बच जाएगा, = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या पता लग गया, d - 2 × d + 3 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफोर d = 2 - 3 हो गया, यहाँ पर क्या हमारे पास जो d का वैल्यूज आ गया। इनके आधार पर हम क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन = CFB, बहुत सारे बुक में होगा, y = क्या हो जाएगा, c1e2x + c2e-3x। ये बना बनाया हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी, उसमें बस वैल्यूज को हमें पुट करना होता है। अब देखिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, जब एक्स का वैल्यू 0 होता है y = क्या होता है, जब एक्स का वैल्यू 0 होता है y = 0 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को, y = 0 c1e0 + c2e0। ये क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का वैल्यूज कितना आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, c1 + c2 = क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया पहले कंडीशन से। हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट कंडीशन dy/dx 0 = 1। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, dy/dx = 2c1e2x। कैसे हुआ, बिकॉज 2x का डिफिनेशन क्या होता है, 2 होता है, e का क्या होता है, e होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आ गया, सेम टू सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए e-3x, डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, c2e-3x। ये हमारे पास आ गया। आप कंडीशन को अप्लाई कर पाएंगे जो हमारे पास दे रखा है, वो क्या है, dy/dx 0 = क्या है, 1 है। तो हमारे पास क्या आ गया, dy/dx = हमारे पास वैल्यूज कितना है, 1 है। जब x = 0 ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, c1 माइनस क्या आ जाएगा, 3 c2, बिकॉज ए टर्म और ए टर्म क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएंगे, राइट।
अब हमारे पास क्या आ गया, टू इक्वेशन आ गया, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो एंड 2C1 माइनस 3C2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन मतलब इक्वेशन 1 आ गया एंड इक्वेशन 2 आ गया। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। इक्वेशन पहले लिखते हैं, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो है, 2C1 माइनस 3C2 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, फिर से कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, किसका, एलजेब्रा का जो कंसेप्ट करते हैं या फिर एक्स वाई वैल्यूज निकालने कंसेप्ट, जो मतलब छोटे क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करते हैं पूरे टर्म को। तो हमारे पास क्या आ गया, 2C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 0, 2C1 माइनस 3C2 इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं, प्लस वाला माइनस जगह माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 5C2 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। देयरफॉर C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 5। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस, बिकॉज कलर ये अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक लेते हैं मजा आएगा। तो हमारे पास C2 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन 5। द सेम वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1। C1 का वैल्यू क्या होगा, हमें पता है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ C2, देयरफॉर C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, C1 इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकंड, C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 5। अब हमारे पास वैल्यू आ चुका है C1 एंड C2 का, दोनों का वैल्यू आ चुका है। अब हमारे पास इक्वेशन अल्टीमेटली क्या आया था, y इज इक्वल टू C1 दिस आया था। इसमें हम क्या करेंगे, C1 एंड C2 का वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या गया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 e टू द पर 2x माइनस 1 अपॉन 5 e टू द पर माइनस 3x। अब हमारे पास क्या है, अल्टीमेट इक्वेशन हमें अप्लाई करना है, जो हमारे पास कंडीशन हमें निकालना है y का वैल्यू कितना होगा जब x इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब पुट करेंगे वैल्यूज को इसमें। अब हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1, वी कैन पुट हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो। तो हमारे पास देखिए क्या आया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 e टू द पावर 2 माइनस y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 e टू द पावर माइनस 3। अब आपको जरूरत पड़ेगा किस चीज़ का, कैलकुलेटर का। तो हमारे पास क्या आ गया, e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 5। कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करने का मैंने यूज़ करा हुआ है, उसके बाद दिखा नहीं सकता कैलकुलेटर बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो हमारे पास वैल्यू कितना होता है, 1.4678, इसका हमारे पास वैल्यू आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.4678। अब यहाँ पर एक बात आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक टिप बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जो आपके पास कैलकुलेटर है उसको यूज़ करेंगे, डोंट डू दिस। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करना है। उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर टाइम मैनेजमेंट, फॉर एक्यूरेसी एंड टू गेट गुड स्कोर इन गेट। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, and see you soon in my next video tutorial. Bye-bye.